फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स पीआरटी भर्ती, जी हाँ फ्रेंड, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि जो है अब आपको 9 और 10 को प्रमाण पत्रों की जांच का आखिरी मौका है। तो फ्रेंड्स पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ बताऊंगा, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले चैनल पर नए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और उसके अलावा स्क्रीन पर एक नए यूट्यूब चैनल का URL फ्लैश कर रहा होगा, तो उसको भी अपना प्यार देना मत भूलिएगा। तो पीआरटी भर्ती के लिए ये अंतिम मौका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिले में सहायक अध्यापक की पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा सूची जो है जारी कर दी गई है। जैसे कि आपको पता है कि DL.ED प्रशिक्षण प्राप्त, उसके अलावा BEd प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को 9 और 10 दिसंबर को अपने डॉक्यूमेंट की जो है चेकिंग करानी है, वेरिफिकेशन करानी है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये आखिरी और जो है अंतिम मौका है जिस हिसाब से आयोग ने बताया है, तो मुझे लगता नहीं कि अब कोई भी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, यदि इस दिन वह जाँच कराने से चूक गए तो संबंधित अभ्यर्थियों का कोई भी दावा नहीं रहेगा। जिले में सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा सूची के अंतर्गत प्रस्तावित DL.ED प्रशिक्षण प्राप्त और BEd प्रशिक्षण प्राप्त की सूचियों को प्रतीक्षा सूची के विवरण के अनुसार जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जहां पर हमने आपको डिटेल में बताया कि किस तरह से आपको नाम अपना ढूंढना है और किस ईयर तक के कैंडिडेट उसमें जो है सेलेक्ट हुए हैं। तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षक हरीश रौतेला ने बताया कि संबंधित अभ्यर्थी 9 और 10 दिसंबर को सुबह 11 बजे से जिला परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान अल्मोड़ा में उपस्थित होकर अपने सभी मूल शैक्षिक अन्य प्रमाण पत्रों का जाँच करा लें। निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने पर संबंधित अभ्यर्थियों के साथ कोई भी दावा नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनली जो है आयोग ने आपको ये जो है अल्टीमेटम दे दिया गया है कि इस बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आखिरी जो है वेटिंग लिस्ट हो सकती है, आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आखिरी हो सकता है अगर इस तारीख यानी कि 9 और 10 दिसंबर को अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए तो आपके लिए फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अगर आपका 9 और 10 दिसंबर को अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आप ज़रूर जाएं, ये आखिरी मौका आपके लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें। ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ पीआरटी भर्ती से रिलेटेड और कोई भी नौकरी उत्तराखंड में आती है तो आप तक ये पहली नौकरी लेके आता है। तो करना क्या है आपको, सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आए तो, बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।